और आइए सीधे चलते हैं उस खबर पर जहां भारत ने अपनी सातवीं जीत के साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ गए हैं तापस। भारत की विश्व कप में लगातार सातवीं जीत, बड़ी जीत, सेमीफाइनल में जगह पक्की, क्या लगता है बेहद बड़ा उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों के लिए? बहुत बहुत बड़ा उत्साह है। 5 विकेट शामी को मिले एक बार फिर, और आप देख सकते हैं किस हद तक लोगों में जुनून है। कितना जुनून है, मैच एंजॉय किया आपने? मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, हमें बहुत मजा आया। या, बहुत मजा था। तो आप बताइए आप लोग कहां से? हम आ रहे हैं धारावी से। दिल्ली से आए हैं। यहाँ पे आज मैच जब चला था, इंडियन बैट्समैन जब खेल रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन इंडियन बॉलर्स ने किया, 55 में ऑल आउट कर दिया, और हमने दिखा दिया है कि वर्ल्ड कप हम जीत के ही मानेंगे। अब जिस तरीके से हम बैटिंग बॉलिंग दोनों हमारा चल रहा है, हम अप टू बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। इंडिया हैज प्रूवन अ पॉइंट टुडे, लेट्स गो। आई लव इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जोश है, इंडिया जीतेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको मैं बताना चाहूंगा ऋतु की, यहाँ पे लोगों में बहुत जोश है, जुनून है, क्योंकि भारत ने सिर्फ जीता नहीं, एक तरह से एक तरफा जीत दायर की है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, और बहुत लोगों में, बहुत ज्यादा लोगों में दावेदारी इंडिया है। और वर्ल्ड कप का 55 पे ऑल आउट मोहम्मद शमी का ये दूसरा 5 विकेट हॉल था, और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये तीसरा मैच मोहम्मद शमी खेले थे। इससे पहले मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप जो मैचेस थे वो नहीं खेले थे, लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड कप मैच खेला गया, और उस तीसरे वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों मोहम्मद शमी को इतना स्ट्रांग प्रबल दावेदार माना जाता है। बॉलिंग में उनका कोई जोर नहीं है, बुमराह ने शुरू किया था और उसके बाद देख रहे हैं मोहम्मद शमी का। आप लोग यहाँ पे क्या केस है आप लोगों का? आप इंडिया रॉकिंग। बुमराह ने जो स्टार्ट दिया और शमी और सिराज ने जो फिनिश किया, रॉकिंग इंडिया विनिंग द कप दिस टाइम। जनरली बोलते थे कि भारत के पास अच्छे बैट्स बॉलर नहीं है, इस वर्ल्ड कप में भारत के जो स्पेसर्स है वो कमाल दिखाए। Absolutely. They are unplayable. And Sami is so consistent. He has milked the opportunity he got after 5 matches. यहाँ पे लोग कह रहे हैं ऋतु की जिस तरीके से शमी का परफॉर्मेंस था वो सच में काबिले तारीफ था। शुरुआत बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन शुरुआत की और उसको अंजाम पे पहुंचाया मोहम्मद शमी ने अपने तेज तरार गेंदबाजी के जरिए। जी तापस, पूरा मैच आपने देखा है, दिलचस्प मैच रहा है, लेकिन क्या लगता है कि भारत ने एक बड़े स्कोर के साथ ये भी साबित कर दिया कि इस विश्व कप में भारत एक बहुत मजबूत दावेदार दिखाई दे रहा है? न सिर्फ 7 जीत, लेकिन साथ ही साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और अपने पूरी प्लेयर लाइन के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ऋतु की, जिस तरीके से भारत ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये 7वां मैच है और हर एक मैच, ऐसा नहीं कि कोई भी मैच बहुत ज्यादा आगे तक या काटे की टक्कर भी, हर एक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन, और ये वाला मैच तो सच में देखने वाला था क्योंकि बहुत 350 से ज्यादा का स्कोर था और एक्सपेक्ट करते कि श्रीलंका हार आएगी, लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की, आप समझिए पहले ही जो शुरुआत थी वहां पे करीब 5 विकेट उड़ चुके थे, 14 रन पे, तो 5 विकेट जब आपकी आधी टीम चली जाती है 14 रन आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और आधी टीम पवेलियन पे है, श्रीलंका टीम को एक तरह से धराशायी करके ये यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, और मुंबई में वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों का क्रेज था, और जिस तरीके से लोगों का हुजूम और जिस तरीके से लोगों का क्रेज था आज वर्ल्ड कप इस मैच को लेके, वो सच में देखने लायक था। और जैसे आपने कहा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर एक एस्पेक्ट में भारतीय टीम ने दिखाया कि वो प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने के। ऋतु जी तापस, एक लंबे समय से आप स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं, क्रिकेट को नजदीक से देखते रहे हैं, हमने क्रिकेट की पूरी टीम में कुछ बड़े बदलाव देखे हैं पिछले कुछ समय में, समय का मतलब है कि पिछले 5-10 साल में भी बड़े बदलाव देखे हैं, और इस टीम के साथ भी, इस जीत के साथ और पूरे 7 मैच में आप भारत की ताकत को किस तरह से देखते हैं मैदान पर?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहा है ऋतु, अगर हम पिछले 20-25 साल की अगर बात करें तो हमेशा से हमारा जो बैटिंग रहा है वो बेहतरीन रहा है। हमेशा बैटमैन बैटिंग डोमिनेटेड इंडियन टीम रही है, लेकिन इस टीम की बात अगर करें तो यहाँ पे आपके पास 5-6 ऐसे बॉलर्स हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। आप सोचिए आर अश्विन जैसा खिलाड़ी उसको बेंच पे रखा गया है, आप सोचिए मोहम्मद शमी को बहुत मुश्किल से चांस मिल रहा है इस टीम में आने का, हार्दिक पांड्या थे तो हार्दिक पांड्या की वजह से मोहम्मद शमी को बिठा के रखा गया था। तो ये आप इस टीम की जो अब आज की डेट में जो डेप्थ है वो बॉलिंग डेप्थ है, बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, रनआउट कर रहे हैं, कैचेस ले रहे हैं, और यहां जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपके पास हमेशा से ही बैटिंग ग्रेट रहे हैं। अगर हम सुनील गावस्कर ले लें, उसके बाद सुरुद्दीन ले लें, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, हमारे पास हमेशा से बैटिंग ग्रेट रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्रेज देख रहे हैं, क्रेज देखिए, क्रेज देखिए, 7-0 इंडिया, 8-0, 9-0, 10-0 एंड द कप। ओके, इंडिया इज गेटिंग द कप बैक होम। यस, सो आप, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्रेज देख रही है आप यहाँ पे, इंडिया साउथ अफ्रीका, हम लोग साउथ अफ्रीका को चोक कर देंगे, चोकर, यू आर चोकर, यू आर द यंगेस्ट पॉइंट फॉर इंडिया हु इज हियर। सो आपने मैच देखा, एंजॉय किया? हाँ बहुत। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टीम जो है बहुत स्ट्रांग है, आपका जो जो आपके जो 11 खिलाड़ी है उसमें उनमें इतना कंपटीशन है। आज सुरेश रैना की बैटिंग देखने लायक थी, और जो जिस तरीके से वो इंडिया नहीं तो रहा मोमेंटम में, और यही 11 को रोहित शर्मा आगे खिलाएगा तो विनिंग स्क्वाड। अच्छी बात है, 2011 को रिपीट करेंगे क्योंकि विराट और कोहली की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इंडियन टीम में एक बहुत ही अच्छा एकजुट है। तो एकजुटता हर एक टीम में इंपॉर्टेंट होती है, इस टीम में। यू आर अ विराट फैन? यस। तो विराट जी हाँ, और मैच के रोमांच को लोग रोक नहीं पा रहे हैं, लोगों का मन कर रहा है कि जो भी वो बयां करना चाहते हैं वो आके माइक पे कहें, और लगातार भारतीय प्लेयर्स की जो तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं एक खराब मैच और मैं बुरा कप्तान कहलाऊंगा, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा था जब उनसे एक तीखा सवाल लीडरशिप पर पूछा गया था। लेकिन आज की जीत के साथ और इस पूरे वर्ल्ड कप के तमाम मैचों के साथ ही 7वीं जीत के साथ रोहित शर्मा के नाम को जिस तरह से क्रिकेट जगत में याद किया जाए वो आने वाले समय में भी देखा जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।